अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ हुसैन तारिक, आपका शेफ़ और होस्ट। प्रोग्राम है फिर खाते पीते। आज की जो डिश है वो है तड़के वाले आलू। ये रेसिपी बिल्कुल मेरी है और इसमें जो इनोवेशन आप देखेंगे वो भी बिल्कुल मेरी ईजाद है। तो चलते हैं आज की रेसिपी की तरफ। उसका नाम है तड़के वाले आलू। ओके नाज़रीन, रेसिपी शुरू करते हैं। ये आधा किलो आलू है, मीडियम साइज़ के। नाज़रीन देखेंगे, हमने धोकर बग़ैर छिलका उतारे हुए इनको अपने वेजेस की तरह फ्राई कर लेना है और ये अलग कर लेना है। ये आपने आलू फ्राई करके रखे हुए हैं, फ्राई करना आई एम श्योर सबको आता है। इसके बाद आपने इसमें हसबे जायका नमक ऐड करना है, कुटी हुई लाल मिर्च ऐड करनी है तकरीबन एक टेबलस्पून, यानी दो टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च ऐड करनी है। थोड़ी सी लाल मिर्च अगर आप चाहें तो पिसी हुई भी ऐड कर दें, तकरीबन क्वार्टर टीस्पून। 1 टीस्पून आपने हल्दी ऐड करनी है, थोड़ी सी राई ऐड करनी है, बिल्कुल चुटकी भर सौंफ ऐड करनी है, ज़ीरा जो मुझे बहुत पसंद है आपने तकरीबन 1 टीस्पून ज़ीरा ऐड करना है, साबुत धनिया थोड़ा सा ऐड करना है। ये सारे अचारी मसाले होते हैं। और ये कलौंजी तकरीबन 1 टीस्पून कलौंजी ऐड करनी है, थोड़ा सा हरी मिर्चें तोड़ के डालनी है, कड़ी पत्ता फ्रेश कड़ी पत्ता ऐड करना है और थोड़ा सा नींबू, चाहे वरना ज़रूरी नहीं है। आपने इस सब्ज़ी को मिक्स करना है। अब नाज़रीन आपने क्या किया, एक कढ़ाई रखनी है, इसमें आपने चूल्हा जलाना है। और ज़रूरी नहीं है कि आप ये फ्रेश तेल ऐड करें, आप जिस तेल में आपने आलूओं को फ्राई किया है वो भी तेल इस्तेमाल कर सकते हैं। और आपने इस तेल को कड़कड़ाना है, तकरीबन 1 टेबलस्पून से ज़्यादा अदरक लहसुन के साथ। दो तीन हरी मिर्चों के साथ और मेथी दाने के साथ। अब ये तेल कड़कड़ा रहा है और अगर आप नाज़रीन चाहें तो इसमें तकरीबन आधी प्याली ऊपर से गरम करके सरसों का तेल भी डाल सकते हैं, लेकिन वो आपके अपने ऊपर मुनहसर है। और दूसरी बात ये है कि इसे टेस्ट भी बहुत अच्छा हो जाता है। ये सब्ज़ी पूरियों के साथ, सादे चावल कीमे के साथ, पराठों के साथ बहुत अच्छी लगती है। तेल ज़्यादा होता है इसमें वो आप निकाल सकते हैं, लेकिन इसमें ये जो अचार का मसाला बनता है इसमें थोड़ा तेल हम ज़्यादा रखते हैं, तकरीबन ये एक प्याली तेल है। नाज़रीन आप ये देख रहे हैं फिर खाते पीते में सारे रेसिपीज़ जो हैं वो क्विक रेसिपीज़ हैं, बहुत जल्दी बनती हैं और सारे मसाले आपके घर में मौजूद होते हैं। अब आपने ये जो आपने आलूओं का मसाला बना के रखा हुआ है ये आपने इसमें ऐड कर दिया। ऊपर से आपने तकरीबन थोड़े से कड़ी पत्ता और ऐड करना है और इनको 5 मिनट के लिए तेज आंच पे पकने दें और ये सब्ज़ी तैयार है। अब इसमें आपने ऊपर से थोड़ा सा फ्रेश करी पत्ता, थोड़ी सी फ्रेश हरी मिर्चें और हमने थोड़ी सी साबुत लाल मिर्ची डाली है। और इंजॉय करें इस रेसिपी को। उम्मीद है आपको ये रेसिपी दूसरी रेसिपीज़ की तरह उतनी ही अच्छी लग रही होगी। ये रेसिपी आप पूरियों के साथ, पराठों के साथ, सादे चावल दाल खीमे के साथ, यानी सिर्फ रूखे भी खा सकते हैं। चाय में भी ये रेसिपी बहुत अच्छी लगती है कि अगर आप चाय स्प्रेड रख रहे हो तो उसमें ये रेसिपी बहुत अच्छी लगेगी। मिलते हैं अगले प्रोग्राम में। प्रोग्राम का नाम है फिर खाते पीते। अपने शेफ और होस्ट हुसैन तारिक को इजाज़त दीजिए अगले प्रोग्राम तक के लिए। अल्लाह हाफिज़।